स्टूडेंट वेलकम। आज हम अध्ययन करेंगे क्लास 11th चैप्टर 4 लैंडस्केप ऑफ द सोल। प्रस्तुत है इस लेसन के लिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7, फाइंड आउट द कोरिलेट्स ऑफ इन एंड यंग इन अदर कल्चर्स। अन्य संस्कृतियों में यिन और यांग के सहसंबंधों का पता लगाएं। आंसर नंबर 7, इंडियन कल्चर लेस स्ट्रेस ऑन नेचर एंड गॉड। आंसर नंबर 7 के सेंटेंस नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। स्ट्रेस, इसकी स्पेलिंग में एस फॉर सलमान 3 बार आया है। नेचर इज द इन और फीमेल पार्ट, वेयर एज गॉड द क्रिएटर इज द मेल पार्ट यांग। आंसर नंबर 7 के सेंटेंस नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। क्रिएटर, इसमें टी फॉर टॉम के बाद ओ फॉर ऑरेंज आया है। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज माया और ब्रह्मा। दिस कॉन्सेप्ट इज आल्सो नोन एज माया और ब्रह्मा। आंसर नंबर 7 के सेंटेंस नंबर 3 पर ध्यान दीजिए। कॉन्सेप्ट, सी फॉर कैट 2 बार आया है। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्रिएट्स द होल वर्ल्ड, ऑल इट्स ऑब्जेक्ट्स एंड आल्सो इट्स इनहेबिटेंट्स। आंसर नंबर 7 के सेंटेंस नंबर 4 पर ध्यान दीजिए। इनहेबिटेंट्स, इसका अर्थ होता है निवासी या किसी स्थान पर रहने वाले लोग। भारतीय संस्कृति में प्रकृति और भगवान पर जोर दिया जाता है। प्रकृति यिन या मादा हिस्सा है, जबकि भगवान निर्माता या पुरुष भाग यांग है। इस अवधारणा को माया या ब्रह्मा के रूप में भी जाना जाता है। इन दोनों का संयोजन पूरी दुनिया, उसकी सभी वस्तुओं और उसके निवासियों को भी बनाता है। आप सभी को अध्ययन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी आपके स्क्रीन पर बटन के रूप में 2 वीडियो दिखाई दे रहे हैं। आप इन दोनों वीडियो में से किसी एक को चुनकर उस पर क्लिक करें और अपने अध्ययन को निरंतर जारी रखें।